हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और यहाँ पे डेली की तरह देखेंगे आज भी हम पूरे 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के, और जो कि इंग्लिश ग्रामर आपका सुपर टायर में जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी कुछ हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि 10 ही क्वेश्चंस रखते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके 10 ही क्वेश्चंस आने हैं, तो एक तरह से हेल्प हो जाती है आपको ये समझने में कि यस 10 में अगर आते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि एज इट इज़ यही क्वेश्चंस आ गए एग्जाम्पल के लिए, तो आपको कितने बन सकते हैं, क्योंकि क्या क्वेश्चन आएंगे वो आपको पता नहीं। और आज हम इस टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन हमने रखा है ये भी आपको पता नहीं है, तो क्यों कहीं ना कहीं सिचुएशन दोनों एक ही है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। 10 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर देखते चलेंगे, ताकि जो लोग नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं उनको भी समझ में आ जाए। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूव द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन, इन केस ऑफ नो इम्प्रूवमेंट योर आंसर विल बी टी। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दिया है जिसमें कुछ अंडरलाइन हुए हैं कुछ पार्ट उसके, तो इसमें आपको बताना है कि अगर ये गलत है तो इसकी जगह पे इनमें से क्या आना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको नो इम्प्रूवमेंट यानी कि इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, तो कोई इम्प्रूवमेंट जो है नहीं ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। चलिए देखेंगे सेंटेंस, सिंस योर डिपार्चर नथिंग हैज़ बीन ट्रांसपायर्ड हियर वर्थ योर नोटिस। तो यहाँ पे हैज़ बीन से लेके नोटिस तक का जो सेंटेंस है, क्या वो इसके किसी में से रिप्लेस होगा, किसी से रिप्लेस होगा या फिर सही है, ये आपको बताना है। सो यहाँ पे देखिए जो है इतना घुमा फिरा के जनरली इंग्लिश ग्रामर में लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी चीज़ को हम इस तरह से लिखेंगे, वर्दी ऑफ नोट हैज़ ट्रांसपायर्ड हियर, क्योंकि इसका जो पूरे का सेंस आएगा वो यही आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे हैज़ बीन ट्रांसपायर्ड हियर वर्थ योर नोटिस, इसका सेंस निकल के आ रहा है, वही इसका भी सेंस निकल कर इस क्वेश्चन में आएगा, तो इसलिए हमें ये ज़्यादा चूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा कहीं ना कहीं। और इंग्लिश के आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चीज़ हो जाएगी कि सेंटेंस को पढ़ते ही आपको अगर वो गलत होगा तो आपको कहीं ना कहीं लग जाएगा कि नहीं इसमें कुछ तो डिस्टर्बिंग है, ये ऐसा सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप बच्चों की बुक आराम से उठाइए इंग्लिश की, और उसमें जो सेंटेंसेस वगैरह रहते हैं वो रीड कर सकते हैं आप। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है ये आपको बताना है। द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स ब्लैंक टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्च्यून आर व इज हैज। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। आई थिंक ये काफ़ी लोगों का रॉन्ग हुआ होगा, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा, इज़ लगेगा यहाँ पे, क्यों लगेगा ये भी थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे एज वेल एज ये मेन आपका सब्जेक्ट है, द चेयरमैन जिसके बारे में एग्जैक्टली बात हो रही है, साथ में मेंबर्स की भी बात कर ली गई है एज वेल एज मेंबर्स, लेकिन यहाँ इज़ लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब जो भी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी वो हमेशा आपके द चेयरमैन यानी जो स्टार्टिंग वाला आपका सब्जेक्ट है उसके आधार पर यूज़ की जाएगी। यूज़ एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा। ही इज़ ब्लैंक आर्मी ऑफिसर, ही इज़ द आर्मी ऑफिसर, ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर, ही इज़ आर्मी ऑफिसर, और या फिर कोई आर्टिकल अगर आपको लगता है कि ही इज़ आर्मी ऑफिसर डायरेक्ट हो सकता है, यहाँ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी चूज़ करना है। तो यस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्मी जो है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, इसका जो उच्चारण है प्रोनंसिएशन है वो भी कहीं ना कहीं वॉवल से आ से आ रहा है, तो इसके पहले आपको एन का यूज़ करना है। इसी के साथ देखेंगे एक नरेशन वाला क्वेश्चन, चूज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, जिसे आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, मतलब उल्टा है थोड़ा सा। कैसे आप इसको डायरेक्ट में लिखेंगे, He asked me why are you late? He asked me why I was late. He asked me why you are late. He asked me why am I late. कुछ नहीं, जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वैसे ही इनडायरेक्ट से जब डायरेक्ट बनाएं तो वही सारे रूल्स को आप उल्टा अप्लाई कर दीजिए, बस इतना सा आपको करना होगा।
चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही होगा, ही आस्क्ड मी, तो ये तो बिल्कुल आपका एज इट इज़ है। इसके बाद आपको पता है कि कनेक्टिव के रूप में जो आपका इनडायरेक्ट में कुछ ना कुछ यूज़ होता है या कभी कभी कुछ नहीं यूज़ नहीं होता, तो आपको क्या करना है यहाँ कॉमा लगाना होता है और फिर जो आपका स्पीच होता है वो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई आई वॉज लेट, तो उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों लेट था, तो ये तो मैंने इनडायरेक्ट बताया तो बताया, तो मेरे बारे में बात हो रही है, उसने मुझसे क्या पूछा कि मैं क्यों लेट हूँ। तो अब मान लीजिए कि वो पूछ रहा है, जब उसने पूछा होगा तो उसने क्या कहा होगा मुझसे, जब उसने पूछा होगा कि तुम क्यों लेट थे तो क्या कहा होगा, यही पूछा होगा ना कि तुम क्यों लेट हो, तुम यूज़ किया होगा, मैं नहीं यूज़ किया होगा, तुम यू यूज़ किया होगा, तो आई की जगह यू आ गया आपका, और बाकी तो वही रहेगा कि क्यों लेट हो, तो भाई वाई आर यू लेट, यही आपका जो है सेंटेंस बनेगा। तो वाई आई वॉज लेट की जगह वाई आर यू लेट ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यू लगाना है तो उसके साथ जाहिर सी बात है आपको आर लगाना होगा, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पूरे जो आपकी स्पीच है उसमें। फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बेलो, ओके यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक सुटेबल वर्ड। This night is as blank as that night, as sharply as sharp as more sharply as। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, शार्प होगा, क्यों, क्योंकि जब as और as ऐसे दो लिखे रहते हैं तो उसके बीच में जो है हमें वर्ब की पॉजिटिव डिग्री लगानी होती है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। आपको पता है कि वर्ब की तीन जो है, सॉरी एडजेक्टिव की तीन जो है डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपरेटिव, सुपरलेटिव। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है और आपको इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ से आपको थ्योरी क्लासेस सारी ही मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप ये देख भी लीजिएगा। तो तीन होती हैं, तो एज ब्लैंक एज अगर है तो यहाँ हमेशा आपको पॉजिटिव डिग्री वाला ऑप्शन ही चूज़ करना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। डेली एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा देती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कॉमन सेंस भी चेक करता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंक्लूड जरूर रखती हूँ, कोशिश करती है ये। अ फॉक्स सॉ अ क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री विद अ पीस ऑफ चीज इन हिज माउथ, ये आपका फिक्स है, लास्ट वाला भी फिक्स है। द प्लान ऑफ द फॉक्स क्लिक्ड फॉर द क्रो ड्रॉप्ड द चीज, अब बीच में क्या आएगा, एक तरह से ये छोटी सी कहानी जैसा लग रहा है, आपको इसको अच्छे से अरेंज करना है कि इसका कुछ सेंस निकल कर आए। पहले अरेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शंस दिए हैं तो आपको उसी में से कोई एक टिक कर देना है। चलिए देख लेते हैं, पहले सबसे तो हम जो पहला हमारा वाक्य है उसका अर्थ समझेंगे कि बोल क्या रहा है। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि एक लोमड़ी ने कौवे को मुंह में पनीर का टुकड़ा लिए हुए पेड़ पर बैठे देखा। अब जाहिर सी बात है कि लोमड़ी ने जब देखा तो पहले उसके दिमाग में कुछ आया होगा, तभी तो आगे की प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे द क्रो वॉज प्लीज्ड, नहीं, ही वॉन्टेड टू हैव द चीज़, तो ये हमारा मेरे ख्याल से सही आ रहा है, ही वॉन्टेड टू हैव अ चीज़, कि लोमड़ी को वो चीज़ चाहिए थे, वो लेना चाहती थी लोमड़ी। अब यहाँ पे इसके बाद ठीक है, अब उसे चीज़ चाहिए, उसे जो पनीर का टुकड़ा चाहिए, अब उसके लिए क्या करेगा, वो पनीर के टुकड़े लेने के लिए कुछ ना कुछ अपना प्लान करेगा। तो द क्रो वॉज प्लीज बाय द फाइटरी, नहीं, द क्रो बिगन टू सिंग, कौवा गाने गाने, मतलब उसे पनीर चाहिए था तो कौवा गाना गाने लगा, ये तो बिल्कुल सेंसलेस निकलेगा। ही प्रेज द क्रो सिंगिंग, मेरे ख्याल से ये सही है कि उसने जो है कौवे को गाने के लिए प्रोत्साहित किया कि तुम गाना गाओ। तो अब कौवा को कोई प्रोत्साहित करेगा तो वो क्या होगा, खुश हो गया, खुश आमदीदे से खुश हो गया, तो थर्ड नंबर पी आएगा। और जब वो खुश हो गया तब उसने गाना गाना शुरू कर दिया तारीफ़ सुन के अपनी, है ना, तो चौथे नंबर पे आपका ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही जो है सही सीक्वेंस आएगा आपका, क्यू एस पी आर, ये आपका सही निकलेगा। और लास्ट बार जो आपका बचा हुआ है कि कौवे से पनीर गिर पड़ा और लोमड़ी की योजना जो है वो सफल रही, तो चलिए टिक कर लीजिए इसका, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, ए वाला आपका हो जाएगा, क्यू एस पी आर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें प्लानिंग की सही स्पेलिंग क्या है ये बताना है।
प्लानिंग योजना है ना, योजना बनाना, योजना कोई निर्माण करना. एनीवेज तो इसका जो सही स्पेलिंग होगी वो होती है ऑप्शन नंबर बी, PLANNING, यानी कि PLA के बाद डबल एन लगाना है, फिर ING लगाना है, तो आपकी प्लानिंग की स्पेलिंग करेक्ट होती है. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार सभी लोग. दूसरा चैनल है हमारा एग्जाम डोज, आपको नहीं पता है तो एक बार जाके चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है. न्यू चैनल है और उसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, वहाँ पे भी क्लासेस चल रही हैं. सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. ऑडियस, ऑडियस की क्या मीनिंग इनमें से हो सकती है, यानी कि सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द क्या हो सकता है इसका. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे. अर्थ कैसे पता होगा, दुनिया में इतने सारे वर्ड हैं इंग्लिश में, आपको हर वर्ड की तो जरूरत नहीं कि इंग्लिश अर्थ पता ही हो. जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग करिए, वोकैब पे फोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंग्लिश के लिए. कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेली 10-15 वर्ड डेली आप डिक्शनरी उठाइए, रैंडमली कोई भी वर्ड देख लीजिए आपको जो नहीं पता हो, आपके लिए नए हो, याद कर लीजिए, या फिर एंटोनीम्स सिनोनिम्स ये पढ़ डालिए, कहीं किसी भी बुक में मिल जाएगा, छोटे बच्चों की स्कूल की बुक में भी, अगर आप टीचर हैं पढ़ाते होंगे तो स्कूल की बुक्स में मिल जाएगा आपको. चलिए देखते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर. इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 18 के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर ए, हेटफुल, क्योंकि ऑडियस का अर्थ होता है घिनौना, घृणित, कुत्सित, और हेटफुल का मतलब भी होता है कि जिससे हेट हो, यानी कि जो द्वेषपूर्ण हो, घृणास्पद हो, जो उसी को कहते हैं. अब यहाँ पे अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम बताना है स्टिंगी का. स्टिंगी का अपोजिट क्या होगा, सो स्टिंगी का जो अर्थ होता है वो होता है कंजूस, मक्खी, चूस. अब इसका अर्थ बताइए, हमें अपोजिट बताइए. तो जेनरस जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब होता है उदार, दानी, दानशील. और भी इसके अपोजिट तो ओपन हैंडेड को भी कहते हैं, चैरिटेबल को भी कहते हैं, ठीक है, जो लोग दान धर्म करते हैं उन्हें ये सब कहा जाता है. फाइन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर देन योर आंसर विल बी डी. ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक सेंटेंस दिया है उसको कुछ टुकड़ों में बांट दिया गया है और आपको बताना है कि कौन से हिस्से में कुछ त्रुटि है, गलती है, अशुद्धि है. अगर आपको लगता है कि सब पूरा सेंटेंस सही है तो आप ये लास्ट डी वाला, नो एरर वाला चूज करिएगा ऑप्शन. पढ़ते हैं सेंटेंस. आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कम्प्लीट. आई थिंक सबको मिल गई होगी मिस्टेक, बहुत ही बेसिक और ईजी था ये. तो यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नो एरर, यानी इसमें कोई एरर नहीं है. तो वही मैंने आपको बार बार बताती हूँ कि आप अगर इंग्लिश की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक अगर होती है तो हाँ कुछ तो है, और अगर नहीं होती है तो हाँ हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं, इट्स ओके, ये सही है बिल्कुल. तो यस, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. और जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं अभी जो भी हमारी सीरीज चल रही है उसमें, परेशान नहीं होना है, ग्रामर पे फोकस करिए, थ्योरी वगैरह सब पढ़ाया है, बाकी आप स्कूल की बच्चों की बुक लेके पढ़िए, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत इजी तरीके से दिया रहता है, तो आपका बेसिक तो तैयार हो ही जाएगा. ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, वो स्टार्ट इस तरह से करेंगे तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा, आगे फिर आपको हाई लेवल का और पढ़ना होगा ही. फिलहाल प्रैक्टिस करते रहेंगे. वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दूसरा चैनल भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो आप पूरी कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय.